हाय गाइस, वेलकम बैक। जहाँ से पुराना ब्लॉग बंद किया था वहीं से नया ब्लॉग स्टार्ट किया है। ढोल वोल सब बजने लगी है बाहर, बाबा के गया जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे ये लोग गाने की आवाज़ सुन के, गाने की नहीं ढोलक की आवाज़ सुन के डांस भी करने लगी हैं। यहाँ पे गाने की आवाज़ सुनो आप लोग। खाना बनाने का आप लोग मेथड देखो, यहाँ पे मेरे पापा बना रहे हैं ये सब। अभी मुझे हॉस्टल के लिए निकलना है गाइस, तो देखो खुशी रो रही है कितना। मत रो, मरने नहीं जा रही हूँ, हॉस्टल ही जा रही हूँ। ये भी रो रहा है भैया भी, और ये भी, सब मेरे भाई बहन, इतने छोटे छोटे, वो सब के सब जितने दिख रहे हैं सब मेरे भाई हैं, जितने साइकिल पे बैठे हैं सब। यहाँ पे हम घर से बाहर बैठे हैं, वहाँ पे खाना वाना वाली प्रिपरेशन हो रही है, और कुछ नहीं। अभी थोड़ी चंद लेते हुए चंद पलों में मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। क्या हो रहा है? ऐसे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज ही मुझे जाना है और आज ही मैं क्या क्या करूं। इधर रहूं उधर, वैसे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि सब लोग इकट्ठा हैं। बहुत ट्राई किया कि बाबा के जाने के टाइम पे मैं रहूं, लेकिन नहीं रह पाऊंगी क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो गया है। हॉस्टल तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन अभी अभी मैं चली हूँ फिलहाल निकलने। अभी सब कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अभी मैं अपने सुल्तानपुर वाले घर पहुँच चुकी हूँ, और अभी यहाँ से मुझे तुरंत निकलना है बस स्टॉप के लिए। वहाँ से पकड़नी है बस और मुझे चले जाना है अपने हॉस्टल। मैं बस में बैठ चुकी थी, मुझे सीट मिल चुकी थी, बस थोड़ी देर में चलने वाली थी, और एकदम नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरा आंसू पूरे रास्ते में रुका नहीं हुआ है, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठने का तो मन नहीं कर रहा था, कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी थी, बट मुझे नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर करना था कैसा लगता है। एक तरफ भी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है कि आपको कहीं जाना होता है घर से दूर, और एक तरफ लगता है कि कैसे जाएँ सबको छोड़ के। बहुत अजीब और बहुत अलग एक्सपीरियंस किया। अभी मतलब सुल्तानीपुर में है मेरी बस, मैं बैठी हुई हूँ, जलरथ चली भी नहीं हुई है। अब मैं अहिमामाऊ में उतर के ओला बुक कर चुकी थी, और घर से आई हुई सारी कॉल्स मैं अटेंड कर रही थी कि कुछ टाइम पहले जो कॉल्स आई वो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं आप कुछ मतलब अपने इमोशंस को छुपाने के लिए अपनी कॉल्स को अटेंड नहीं करते हो, कोई कुछ भी समझे, लेकिन रीज़न ये भी होता है कई बार। तो ये भी एक्सपीरियंस किया घर से निकलने के बाद, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आ रही थी कि अपनी जिम्मेदारी खुद से उठानी है। अप्रॉक्स गाइस, मैं हॉस्टल पहुंचने ही वाली थी, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। वेट, आई विल शो यू। तो ये है कुछ यहाँ का हाल जो कि है, और साथ में है मेरी बैग, जिसके वजह से बैग को साथ में यहाँ से ले जाना मुश्किल बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि बैग का वेट जो है बहुत भारी है। तो हॉस्टल में अंकल ने किसी को भेजा हुआ है, वो मुझे लेने आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो जाना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। जस्ट नाउ गाइस, मैं हॉस्टल फाइनली पहुंच चुकी हूँ, और मेरी जो रूम पार्टनर है वो अभी गई है बाहर, और मैं हो रही हूँ तुरंत पहुंची हूँ, तो फ्रेश फ्रेश। मैंने कुछ हॉस्टल इशूज के बारे में बात की हुई थी आप सभी से, तो मैं आपको बताऊँ हुआ क्या था कि हॉस्टल मैंने जहाँ पे बुक किया था, मैंने एक ब्लॉग भी बनाया हुआ था, फाइनली मैंने हॉस्टल बुक कर लिया। वहाँ पे वो पहले तो बोला था कि सिक्योरिटी पेमेंट नहीं लगेगी, बट वहाँ पे उन्होंने बाद में बताया कि सिक्योरिटी पेमेंट लगेगी। जब आप सिक्योरिटी मुझे नहीं और देनी होती तो मैं देती, बट अगर आपके यहाँ के रूल्स जो मुझे आप बता रहे हो कि सिक्योरिटी नहीं पे करनी है, उसके बाद आप अचानक से कह रहे हो नहीं पे करनी है, तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगी मुझे कि आप अचानक से रूल्स को अपने ही रूल्स को बदल रहे हो। अगर मुझे कुछ देना होता तो मैं हिसाब से फैसिलिटीज़ को भी देखती और सब कुछ,
चलो उस उतने तक भी ठीक था, लेकिन उसने मेरे से पूछने के बाद वार्डन मैम जो भी कह लो, अब तो मैम कहने का मन नहीं करा लेकिन जो भी है, उन्होंने पहले तो वहाँ का रूम चेंज कर दिया मेरे से बिना पूछे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो उन्होंने की बाद में, मुझे उन्होंने कहा कि 15 से आपका रेंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी चलो ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि सिक्योरिटी पेमेंट एंड पे जो पेमेंट है आपके रूम की वो पे करो, अदरवाइज मैं रूम किसी और को देने जा रही हूँ। मान लीजिए मैं उस दिन पहुँचती तो इसका मतलब मैं रोड पर रहती, शॉर्टकट में मैंने यही बताया, बाकी बात और लंबी थी जो कि छोड़ो अब लंबे में खींचने का क्या ही मतलब है। बाय द वे इतने ही में ही बात थी, अभी भी मैं फ्रेश हुई बैठी हुई हूँ और जब मेरी रूम पार्टनर ने जैसे बताया बाहर गई है अभी अभी किसी काम से, एंड व्हाट, अभी आज के दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम हो रहा है अप्रॉक्स अभी 6:24 और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। हॉस्टल के बाहर पूरा पानी पानी भरा हुआ था, आते ही मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है और अभी इसको चार्ज करना है। बैग अभी श्योर नहीं है कि मैं यहीं पे रहने वाली हूँ या फिर नहीं रहने वाली हूँ, जब भी होगा तो मैं आपको बताऊँगी इन डेप्थ सब कुछ, एवरीथिंग आपको बताने वाली हूँ वीडियो के अंदर में। अब आगे से एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर करती रहूँगी। बाय द वे अभी तो बिस्तर बिछा रही हूँ यहाँ पे सोने के लिए, रूम चेंज कर दिया था बाद में, मैंने सब कुछ शेयर करूँगी। बाय द वे छोड़ो ये सब, अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाओगे। ये व्लॉग कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, सब कुछ ठीक है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी खाओ पियो ऐश करो।